रिवाइज ही करा रहा, इट्स फाइन, बंद ही करो ना, ठीक है. इफ इफ ए एंड बी आर टू क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू, इफ ए एंड बी आर टू skew symmetric matrices, then इसका नंबर वन जो भी आप एबीसी लिखा है कि नंबर वन वन से दो वन देखें एबीसी लिखा है एबीसी ए ए ए पार्ट लिखो ए प्लस और माइनस बी, ए प्लस और माइनस बी कॉमा एबी माइनस बी ए आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. बी पार्ट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आपस से रिपीट करना है आपको समझा. फर्स्ट पार्ट में के ए प्लस और माइनस बी कॉमा ए बी माइनस बी ए आज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. एंड बी पार्ट में ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. चलो प्रूव करो, टेक अ टाइम. उन्होंने क्या बोला ए एंड बी आर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या हुआ A is equal to minus of A transpose, क्या उल्टा लिखते हैं, A transpose is equal to minus A and B transpose is equal to minus B. This is given to us, कि हम लोग को दिया हुआ है. तो कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मुझे उसका ट्रांसपोज देना ही पड़ेगा. तो मुझे क्या चेक करना है, किसको सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है. फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी को, चलो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट विल इट बी, ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सही है. बट व्हाट इज ए ट्रांसपोज, इज माइनस ए, एंड व्हाट इज बी ट्रांसपोज, इज माइनस बी. देखो माइनस साइन कॉमन, व्हाट विल यू गेट, माइनस ऑफ ए प्लस बी, समझा. इसे क्या प्रूव हुआ, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेने से मुझे क्या मिला, माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला. इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक जो प्रूव करना था हम लोग का हो गया. इज दैट क्लियर, अभी ए माइनस बी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है. दूसरा क्या है, किसको बताना है, ए बी माइनस बी है ना, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए द होल ट्रांसपोज. चलो स्टार्ट करेंगे, क्या लिखो फर्स्ट, ए बी द होल ट्रांसपोज माइनस बी ए द होल ट्रांसपोज, समझते हो, आया ना, ए बी द होल ट्रांसपोज इनटू बी ए द होल ट्रांसपोज. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, समझ में आ रहा है, आया ना. What is the B transpose here? Minus B. Minus B. What is the A transpose? Minus A. Upper say minus. Minus A into minus B. What are you getting here? B minus AB. Right? If I remove the minus and common, what will I get? AB minus B. Sabko samjha ya nahi samjha? Now can we say that AB minus BA is a skew symmetric matrix? अरे क्या कर रहा, समझ में आ रहा है? सेकेंड बी वाला पार्ट प्रूव करके दो, चलो बताओ बताओ, मतलब बी वाला पार्ट, टू द बी, बी वाले पार्ट को प्रूव करो. Okay. One second.
ए बी प्लस इज इक्वल व्हाट कॉल आई गेटिंग हियर ए बी द होल ट्रांसपोज माइनस प्लस बी द होल ट्रांसपोज सो व्हाट आर यू गेटिंग बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दिस इज माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस बी यू आर गेटिंग हियर बी ए plus AB, but we know that AB plus B are, no, sorry, this is same as AB plus B only, right? So, क्या बता क्या था? Skew. Skew कैसे आता है ना? आपको नहीं लगता अगर ऐसे सम साइड है तो कुछ complications है? मैं वापस से बता दूँ अगर आपको मुझे check करना है क्या check करना है? क्या चेक करना है गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मुझे क्या करना है जो भी दिया है उसका ट्रांसपोज देके आगे बढ़ना बस ये माइंड सेट दिमाग में डाल देना क्लियर है टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम इफ इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स and B is square matrix, A is skew symmetric matrix, and B is square matrix of the order that of A, of the order that of A, then B transpose into AB is आप लोग मुझे बताओ क्या लिखना है और फाइंड आउट करके क्या लिखना है इसको स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है या सिमेट्रिक लिखना है यू फाइंड आउट एंड टेल मी पढ़ा हो गया
क्या मिला आपको? स्क्यू नहीं मिला सबको? एवरीवन गॉट इट? किसको डाउट है? स्क्यू नहीं मिला? एवरीवन गॉट इट? यू मैं बोर्ड पे करना है नहीं करना है? अभी एक स्टार मार्क करके एक चीज लिख के रख देना जिसको आपको रट्टा मारना है। देखो एक चीज आपको सिनॉप्सिस में ऐसी बनानी होती है जिसको आपको रट्टा मारना है, ठीक है ना? याद ही करना है। अपनों ने अब तो जो किया वो मैनेजेबल है, अब पूरा उसको आपको याद करना। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज कॉलम मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स and see column matrix, then C transpose into A into C, C transpose into A into C is zero matrix, is zero matrix। देखो जरूरी नहीं है मैंने जो सेंटेंस लिखा एज इट इज ही आपको मिलेगा सेंटेंस, बट आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा उसका मतलब यही निकलता होगा जो मैंने अभी लिख के दिया। क्या बोला है? सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, बराबर ना? आया ना? तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या आता है आपका? जीरो मैट्रिक्स। चेक करना है क्या लेंगे कॉलम मैट्रिक्स सी को, क्या अज्यूम करते हैं? 1 2 3 ठीक है, क्या दो वाला ले लें? दो वाला जल्दी ए मैट्रिक्स को ले, क्या लेंगे बोलो? स्क्यू लेना है तो 0 0 2 माइनस, यस क्यू हो गया, यस और नो? यस। ठीक है, अभी क्या मल्टीप्लाई करना? सी ट्रांसपोज, क्या आएगा सी का ट्रांसपोज यहां पे? 1 2 राइट, तो C transpose into A, पहला मल्टीप्लाई करते देखो क्या आता है? 0 2 minus 2 0, पहला मल्टीप्लाई हाँ 1 0 0 minus 4 right? आया नहीं है रो इसके साथ, क्या तो ये रो इसके साथ 2 सही है। अभी किसको मल्टीप्लाई करना है? C transpose A into C, कितना आएगा? minus 4 2 इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसफर ऑर्डर है, सी ऑर्डर ही है, 1 एंड 2 क्या आएगा देखो? माइनस 4 प्लस 4 कितना आया? 0 क्लियर? यस सर, इज दैट अंडरस्टूड? इस तरीके से हम लोग जो मैंने लिखा उसको जस्टिफाई किया, कोई भी कॉलम मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपके पास सी ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स into C हमेशा क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स देगा, नल मैट्रिक्स देगा। ओके ओके, अभी मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूं यहां पे, मुझे जो चाहिए वो चीजें निकाल देता हूं, मैं ए मैट्रिक्स लिख देता नॉर्मल 2x2 के साथ है कि 3x3 मैट्रिक्स ले लो, 2x2 चल रहा है, चेक किया ठीक 1 3 5 2 के मैट्रिक्स है। मुझे क्या-क्या फाइंड आउट करके चाहिए पता है? a plus a ट्रांसपोज निकालो एंड a minus a ट्रांसपोज निकालो, पता फाइंड आउट दिस टू वेक्टर्स। a plus a ट्रांसपोज निकाल के दो आपको सिनॉप्सिस अपना अलग से घर पे बनाना है, ये तो क्लास नोट्स है, आप अलग से उसको सिनॉप्सिस इसी चीज को वापस बार-बार वापस जाके लिखो। अभी प्रूफ हमने नहीं, चलो क्लास में लिख दूंगा, सिनॉप्सिस में प्रूफ से भी आएगा ठीक है। आप ये इसका आपका सिनॉप्सिस का बुक अलग मेंटेन करना, ये अलग प्रॉपर्टी है, अलग इसमें अलग नाइन करके ले सकते नाइन नाइन प्रॉपर्टी के हम लोग बेस बना रहे हैं। नाइन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मुझे ये निकाल दो नहीं बाद में लिखेंगे, क्या समझना इम्पोर्टेंट है सर, रिप्रेजेंटेशन क्या करे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ए निकाला, ये लिखा
Everyone got the same thing? Okay, what is A minus A transpose? 0 minus 2. Minus 2? Plus 2. Plus 2 and 0. 0. Aisa mila? Haan. Sabko ye mila? Confirm? What you can see, can I remove the 2 common? Haan. Main 2 common nikala. आज आपने ने डिटरमिनेंट इसके पहले सिखा रहेगा थोड़ा बहुत तो डिटरमिनेंट्स में हम लोग कॉमन लेते तो कोई रो से या कोई कॉलम से आता है डिटरमिनेंट्स में ऐसा और सर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है यू कैन रिमूव द कॉमन फ्रॉम ईच एलिमेंट हर से कॉमन टू इन क्या लिख सकता हूं 1 4 4 2 कितना हो जाएगा 2 इन कितना आएगा 0 माइनस वन वन जीरो ठीक है यस वन तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर हाफ टू के जस्ट शिफ्ट किया हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल क्या मिला वन फोर फोर टू समझा एंड व्हाट इज हाफ इनटू ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 minus 1 1 0 can I say that this is symmetric matrix can I say that this is q symmetric are hi yes sir this symmetric is q symmetric let us add this two चेक करते क्या मिलता है व्हाट विल यू गेट लेट अस डू इट ओरली ओनली 1 प्लस 0 इज 1 4 माइनस 3 इज 1 इज 3 4 प्लस 1 इज 5 2 प्लस 0 इज 2 कैन आई से दैट दिस इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स ओनली सो व्हाट आर आई गेटिंग हियर ए इज इक्वल टू हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस आप इनटू ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसमें इसको सिमेट्रिक बोलेंगे इसको स्क्यू सिमेट्रिक समझ में इससे आपको क्या पता चला अभी ये प्रॉपर्टी में मैं क्या बताना चाहता हूँ एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक कि आपको सेंटेंस लिखना है सेंटेंस आप एंड में लिख सकते हैं एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक द सिमेट्रिक पार्ट इज दिस एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इज दिस समझे या नहीं समझे सर पहले लिख दो बाद में लास्ट इसके बाद में टेंथ में लास्ट में बता लिख दिया बोलना है नहीं और फिर
किससे फोन लेना है बस, कितने दिनों के लिए? Any matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices. इसको हम लोग वापस से टाइप ऑफ मैट्रिक्स होने के बाद इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब पता है आपका जो मैट्रिक्स ये है, सपोज ये मैट्रिक्स है, सपोज इफ ए इज दिस, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये होता है 1, 3, 5, 2। सिंपल, इसको सॉल्व करना पता है हम लोग को, 2 - 15 दैट इज -30, ठीक है। इसमें टाइप डाल देना सिंगुलर, एंड सेकंड सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोला जाएगा जब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल, ठीक है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ये होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये। कोई भी डिटरमिनेंट का, कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है, इक्वल टू 0 है, तो क्या बोला जाएगा उसको? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, और 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। देखो यहाँ तक तो बहुत चीजें आसान है, सही है, यहाँ तक मैट्रिक्स बहुत अच्छा जाता है, मजा भी आता है, ठीक है। अभी मैं कुछ नाम लिखूंगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, वो थोड़े अच्छे नाम नहीं, ठीक है, एंड उसको याद करना पड़ेगा। हम लोग ये पकड़ लो कि ये हमने बोर्ड से सीटी तक का हो गया, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते जे वाले पोर्शन में आते, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें पहला आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई किसी बोला यहाँ पे अपने, किसी को पता है? हाँ मैंने, हाँ पहले देखा था, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना, डेफिनेशन मुझे तो कलर पेन यूज करना चाहिए ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई या
ए ट्रांसपोज इनटू ए व्हाटएवर इट इज. ठीक है, अगर ऐसा है ए इनटू ए ट्रांसपोज आ है या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आ है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा. ठीक है, बेसिकली इसको आगे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं. अगर मैंने ए को राइट हैंड साइड में लेके गया तो आपको ए इनवर्स करके आएगा ए ट्रांसपोज. फिलहाल ए इनवर्स नहीं समझ में आता तो राइट अंडरस्टैंड ए इधर चला गया तो ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. ठीक है, या इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, नाउ राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. मेरे ख्याल से तुम लोगों ने लिखा रहेगा, बोला नहीं मिली. इसको अलग से डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स हम अलग से देखेंगे आगे से. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगेन दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. First property, every orthogonal matrix is invertible. Every orthogonal matrix is invertible. Invertible मतलब जिसका A inverse exist होता है. समझ लो, जिसका A inverse exist, मतलब A inverse हम लोग निकाल सकते हैं. ऐसे matrix को क्या बोला जाएगा? Invertible. ठीक है, second A and B are orthogonal matrix. A and B are orthogonal matrix. Then AB and BA are also orthogonal matrices. Then AB and BA are also orthogonal matrices. इसको प्रूव करके बताऊंगा. वही थॉट प्रोसेस अगर आपके दिमाग में है, कैन वी प्रूव इट हियर? क्या बोला है? A and B को, A and B को अगर मुझे orthogonal दिया है, that means I know that A into A transpose I है and B into B transpose I. समझा या नहीं समझा? What is given to me? क्या दिया है मुझे? A orthogonal matrix बोला है, B orthogonal matrix है. मतलब मुझे क्या given है? A into A transpose is equal to I given है and B into B transpose is I. Clear है? अभी मुझे क्या prove करना है? AB के तरफ. अगर मुझे AB को orthogonal प्रूव करना है या मुझे चेक करना है कि AB orthogonal है या नहीं, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? अगर मुझे AB orthogonal है कि नहीं चेक करना है, yes, उसका transpose क्या करेंगे? उसके साथ multiply करेंगे और चेक करेंगे क्या I आ रहा है. समझा या नहीं समझा? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? AB लेना है, फिर उसको उसके transpose से multiply करना है और ये calculate करके चेक करना है. आया तो orthogonal है, नहीं आया तो नहीं. समझा या नहीं समझा? ठीक है, कैसे करेंगे फिर? ए भी तो एज इट इज रखेंगे, इनटू क्या करेंगे बोलो, इसको क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा होगा, ब्रैकेट हम लोग कहीं पे भी घुमा सकते, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं ए को अलग करता हूँ, बी और बी ट्रांसपोज को एक साथ लाएंगे और ए ट्रांसपोज यही करेगा. सही चलेगा? अरे चलेगा या नहीं चलेगा? क्लियर? बट मैं जानता हूँ बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या है? I. तो ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज होंगे.
अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स वही रहेगा। तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अरे ए में तो ये ए हो गया इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, व्हाट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज? फिर से आ होगी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी द ए बी इंटू ए बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, आई। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज वन। भरपूर ऑफ है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, रोज अभी और कॉलम्स, रोज और कॉलम्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज वन। ठीक है, टेक अ फोर्थ वन, एंड इसमें भी बहुत ऑफ है। ठीक है, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, द सम ऑफ